सभी टीचर्स को मेरा नमस्कार। समीक्षा एवं सभी बेटियों को बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत बहुत सारी अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। मेरी बेटी के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, वो मेरी सबसे लाडली और मेरे बहुत करीब है, सबसे करीब है। उसको संगीत में, चित्रकला में, आर्ट्स में शुरू से बहुत शौक रहा है। फैशन डिजाइनिंग में ही वो अपना भविष्य बनाना चाहती है। हाँ, गाती भी बहुत अच्छा है। मैं समीक्षा को अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री महाकाल सबको। और मेरी सिस्टर के लिए फोन आया है कि घर से पेरेंट्स की तरफ से कुछ स्पेशल आना चाहिए, तो वैसे तो मेरी दीदी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। मेरी सिस्टर इतनी अच्छी है ज्योति, और मैं वैसे सबसे छोटा हूँ लेकिन उससे बहुत लड़ाई करता हूँ, और मम्मी अम्मी सब याद भी कर रहे हैं उसको। और दीदी के लिए क्या कहूँ, वर्ल्ड की बेस्ट सिस्टर अपन उसको बोल सकते हैं। मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए, वैसे है लड़की लेकिन मेरे सबसे बड़े भाई से भी ज़्यादा हमको सपोर्ट करती है वो। उसको एक फ़ोन करता हूँ इतने में वो फटाफट दौड़ के या कहीं पे भी होगी, कैसे भी करके मेरा काम निकाल देती है। मम्मी के लिए, पापा के लिए, सब उसको याद कर रहे हैं। और अच्छे से रहे, अच्छे से पढ़ाई कर। लव यू दीदी, बाय, जय श्री माता। हेलो, आई एम अनुप्रिया, अंजलिस एल्डर सिस्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वुमेंस डे की सभी इंस्टीट्यूट के सभी मैम और गर्ल्स को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे। अंजलि, आपके बारे में क्या बताऊँ, आपको तो पता है आप मेरी छोटी सी स्मॉल सी लविंग प्रिंसेस हो। मम्मी पापा और हम सब और कॉलेज वाले सभी आपसे ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप जिस मुहिम के लिए, फैशन डिजाइनिंग की मुहिम के लिए निकले हो, आप उसमें अचीवमेंट सब कुछ अचीव करो, अपने ड्रीम्स जो आप फॉलो कर रहे हो ड्रीम्स पूरे करो, और इंस्टीट्यूट और अपने पेरेंट्स का, सभी का नाम रोशन करो। आप भी जानते हो कि पेरेंट्स अक्षय में आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आप उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करो, इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करो। थैंक यू एंड लव यू। आज मेरे और मेरे परिवार के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि मेरी बेटी DSI कॉलेज से फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रही है। सर्वप्रथम मैं उन सभी टीचर्स का धन्यवाद अदा करती हूँ कि मेरी बेटी समीक्षा को जीवन में काम आने वाली कला सिखाई जा रही है। समीक्षा का यही लक्ष्य रहा है कि मैं एक अच्छी आर्टिस्ट बनूँ, एक अच्छी कलाकार बनूँ, ताकि मैं अपने माता पिता और कॉलेज का नाम गौरवान्वित करूँ। वह अपने टीचर्स की बहुत सराहना करती है कि हमें सभी टीचर्स बहुत अच्छा सिखाते हैं और साथ ही बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसने बताया कि जितनी भी मेरी पेंटिंग है और जो मैंने कपड़ों पर फैब्रिक डिजाइन की है, वो उस पर मुझे सभी टीचर्स बहुत मेरी सराहना भी करते हैं और मुझे गुड, वेरी गुड मिलता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी एक अच्छी कलाकार बनने जा रही है, उस वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रही है, तो मुझे उस पर बहुत गर्व है। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं मेरी बेटी के साथ है, और सारे टीचर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। प्रणाम DSIFD। मेरी प्यारी भांजी पूर्णिमा तिवारी बहुत ही मेहनती एवं लगनशील है। वह अपने कर्तव्यों को बहुत ही बखूबी से निभाती है। घर का सारा काम करने के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान रखती है। मैं, मेरा पूरा परिवार मेरी प्यारी भांजी पूर्णिमा तिवारी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद DSIFD। अंत में मैं एक दोहा प्रस्तुत करना चाहूँगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजात, रसरी आवत जात ते शिल्पे पड़त निशान। यदि रस्सी के रगड़ से पत्थर घिस जाता है तो लगन एवं मेहनत करने से वो ऐसा कोई सा काम नहीं है जो पूरा ना हो। अंत में मैं DSIFD को पुनः प्रणाम करता हूँ एवं अपनी प्यारी भांजी पूर्णिमा तिवारी के
के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। हेलो, मैं अंशु का पापा बोल रहा हूँ। अंशु हमेशा से एक अच्छी इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहती थी, इसमें हमने उसका पूरा सहयोग किया है। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी मेहनत से इसमें सफल हो और हम दोनों यही चाहते हैं कि वो अपने इंस्टीट्यूट और अपने सर और अपने मैम का नाम रोशन करे और ज़िंदगी में वो एक अच्छा मुकाम हासिल करे, यही मेरी आशा है। और हम दोनों का आशीर्वाद एवं सहयोग उसके साथ है। ओके।